नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी 24/7 में। मैं आपका दोस्त दिनेश वर्मा। दोस्तों, आज हम आपके लिए जनरल नॉलेज से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हैं जो आपके लिए बहुत ही वेरी वेरी इम्पोर्टेंट हैं। दोस्तों, ये प्रश्न पिछले कुछ एग्जाम में देखने को मिल गए थे, तो हमने इनको कवर किया है। तो चलो शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, अपने पद से इस्तीफा देने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री कौन थे? तो अपने पद से इस्तीफा किसने दिया था सर्वप्रथम? तो उसका नाम है मोरारजी देसाई। भारत के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। क्वेश्चन नंबर अगला, विद्युत प्रवाह की ताकत को मापने के लिए इस्तेमाल किया गया एक उपकरण का नाम है? तो विद्युत के प्रवाह किससे मापी जाती है दोस्तों? मापी जाती है गैल्वेनोमीटर से। गैल्वेनोमीटर से विद्युत प्रवाह की ताकत को मापते हैं। अगला है, निर्विरोध निर्वाचित होने वाले भारत के एकमात्र राष्ट्रपति कौन है? तो उसका नाम है नीलम संजीव रेड्डी। निर्विरोध और निर्वाचित होने वाले भारत के एकमात्र राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी है। कौन सा हार्मोन आपातकालीन हार्मोन के रूप में जाना जाता है? तो दोस्तों, इसका आंसर है एंड्रेनलिन। एंड्रेनलिन ऐसा हार्मोन है जो आपातकालीन हार्मोन के रूप में जाना जाता है। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर कौन है? तो इसका आंसर है दोस्तों राष्ट्रपति। जो तीनों सेना हमारी, जल सेना, वायु सेना और थल सेना, तीनों का सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति होता है। भारत में सर्वोच्च सिविलियन पुरस्कार कौन है, यानी भारत का सबसे जानमाना पुरस्कार कौन सा है? तो दोस्तों, यह भारत रत्न भारत का सर्वोच्च सिविलियन पुरस्कार है। HTTP का पूर्ण रूप क्या है, यानी HTTP का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? तो इसका आंसर है, जो कंप्यूटर की प्रणाली है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो इसका फुल रूप है। अगला है, एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक रन स्कोर खिलाड़ी किस खिलाड़ी का है? सबसे ज़्यादा किस खिलाड़ी का स्कोर है? तो दोस्तों, इसका नाम है रोहित शर्मा, जिसने 264 रन बनाए थे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। तो इस बल्लेबाज का सर्वाधिक स्कोर है। अगला है, भारत के नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो भारत के नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है दोस्तों? तो इसका आंसर है प्रधानमंत्री। जो भारतीय नीति आयोग के अध्यक्ष है वर्तमान में, नरेंद्र मोदी जी हैं। अगला प्रश्न है, अंग्रेजी चैनल को तैरकर पार करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो अंग्रेजी चैनल को सर्वप्रथम भारत की महिला कौन थी जिसने पार किया था तैर के? तो इसका नाम है आरती शाह। आरती शाह ने अंग्रेजी चैनल को पार किया था जो इंग्लैंड के समीप है, तो वहाँ पे इसने पार किया था। पत्तियों का हरे रंग किसकी वजह से होता है? तो दोस्तों, पत्तियों का हरा रंग किसकी वजह से होता है, उसमें क्या उपस्थित होता है जिसकी वजह से हरा रंग होता है? तो इसका आंसर है क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल सूर्य की उपस्थिति में अपना भोजन ग्रहण करता है। अगला क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा फुटबॉल विश्व कप किस देश ने जीता है? तो सबसे ज़्यादा फुटबॉल विश्व कप किसने जीता है, जो सबसे ज़्यादा फेमस एक खेल है? तो सबसे ज़्यादा फुटबॉल विश्व कप किसने जीता है दोस्तों? तो इसका आंसर है ब्राज़ील ने। ब्राज़ील एकमात्र टीम ऐसी है जिसने 5 बार सबसे ज़्यादा फुटबॉल विश्व कप जीते हैं। अगला है, पृथ्वी पर सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर कौन सा है? तो पृथ्वी पर सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर कौन सा है दोस्तों? तो इसका आंसर है चीता, जिसकी रफ्तार बहुत ज़्यादा है, 2 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से।
2000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ता है दोस्तों ये। अगला क्वेश्चन है, इसराइल में यूनेस्को में शामिल हुआ था, इसराइल यूनेस्को में शामिल कब हुआ था दोस्तों? तो इसका आंसर है 1949 में इसराइल यूनेस्को में शामिल हो गया था। अगला है, इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है जिसने चंद्रयान 2 लॉन्च किया था हाल ही के दिनों में? तो इसका आंसर है डॉक्टर के सिवान। डॉक्टर के सिवान वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष हैं। और इसरो की स्थापना सन 1769 में हुआ था, 1969 में। अगला है, डीआरडीओ की स्थापना कब की गई थी? दोस्तों डीआरडीओ की स्थापना कब की गई थी? तो इसका आंसर है 1958 में। डीआरडीओ की स्थापना 1958 में की गई थी, जो भारत की डिफेंस सिस्टम में हथियार बनाती है, उसका स्थापना 1958 में की गई थी। अगला है, पूर्वी सियांग किस राज्य में है? तो ये पूर्वी सियांग किस राज्य में स्थित है ये क्षेत्र? यह अरुणाचल प्रदेश में पूर्वी सियांग स्थित है। पीएम मोदी ने रॉस नील और हैवलॉक द्वीप का नाम क्या बदल दिया? इस द्वीप का नाम क्या बदल दिया दोस्तों हाल ही के दिनों में, चर्चा में भी रहा था ये। इसका नाम है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। जो पीएम मोदी ने इसका नाम पहले रॉस नील और हैवलॉक द्वीप के नाम से जाना जाता था, तो इसका नाम अब अंडमान और निकोबार द्वीप कर दिया है। अगला है, चीन के चंद्र रोवर चांग फोर ने किस पर ऐतिहासिक लैंडिंग की? तो चीन का चंद्र रोवर चांग किस पर ऐतिहासिक लैंडिंग की थी दोस्तों? तो इस ये की थी मून पे, यानी कि चंद्रमा पे लैंडिंग की थी रोवर चांग फोर ने। किस देश ने फादर ऑफ ऑल बॉम्ब्स विकसित किया है? तो कौन सा देश है जिसने फादर ऑफ ऑल बॉम्ब्स विकसित किया है हाल ही के दिनों में? तो इसका नाम है रशिया। रशिया ने फादर ऑफ ऑल बॉम्ब्स की स्थापना की है, यानी विकसित किया है। तो दोस्तों ये थे कुछ महत्वपूर्ण जनरल नॉलेज से संबंधित क्वेश्चन। आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर दीजिए, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। तो थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।